वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। लास्ट क्लास में सर। बेटा हमने मेथड ऑफ स्टिलाइजेशन किए थे, है ना। हमने नई यूनिट स्टार्ट करी थी स्टिलाइजेशन, ठीक है। स्टिलाइजेशन क्या होता है, जो बैक्टीरिया या आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको जो किल करने की प्रोसेस होती है वो होती है आपकी स्टिलाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में मैंने पढ़ लिया था। फिर आप स्टिलाइजेशन किन किन तरीक़ों से करते हैं, कौन कौन से आपके वो मेथड हैं जिनसे आप स्टिलाइजेशन करेंगे, वो हमने लिख लिए थे। आपके तीन मेथड होते हैं, फिजिकल, केमिकल, ठीक है, और मैकेनिकल। फिजिकल में देख लिया था हमने कौन कौन से होते हैं, केमिकल में हमने देख लिया था और मैकेनिकल में हमने देख लिया था, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड, PHYSICAL, बाय फिजिकल मेथड। इसमें सबसे पहले कौन सा था आपका, ड्राई हीट। तो हेडिंग डाल देना ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बाय फिजिकल मेथड को अंडरलाइन करके ए पार्ट लिख देना है, जैसे भी आपको लिखना है। फर्स्ट, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, DRY, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, STERILISATION, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। देखो मैंने जैसे उस दिन ही बताया था, ड्राई हीट इंस्टॉलेशन आपकी क्या होती है, आप करेंगे हॉट एयर ओवन से। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, ठीक है। आप लोगों ने ही बताया था ड्राई का मीन्स होता है सूखा, मीन्स वहाँ पे कोई वाटरिंग चीज़ या वेपर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा, वो बिल्कुल सूखी प्रोसेस होगी, ठीक है। अब आपने ओवन देखे, अपने ओवन ओवन देखे बेटा सभी ने, जो आप ये पेटीज वगैरह भी खाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपको वो गर्मा गर्म मिलती है, ठीक है, एकदम गर्मा गर्म मिलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ओवन में गर्म होके आती है। इट मीन्स मैं ये नहीं कहना चाह रहा ओवन, बट आपने सबने ओवन देखा है। क्या होता है, ओवन में आप दरवाज़ा खोलते हैं, उसमें दो तीन रैक होती हैं सामान रखने के लिए, ठीक है। जैसे आपके फ्रिज में दो तीन रैक होती हैं सामान रखने के लिए, उसी तरह आपके ओवन में रैक होती हैं, ठीक है। एक उसमें फ़ैन लगा होता है और एक हीटिंग के लिए रोड लगी होती है नीचे, जिससे आपकी हीट आती है। फ़ैन क्या करता है, फ़ैन घूमेगा तो आपके पूरे अंदर चैम्बर में प्रॉपर हीट फ्लो होगी, ठीक है। वरना रोड से क्या होता है, जो जो चीज़ रोड के सबसे ज़्यादा पास होती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती, बट फैन क्या कर रहा है, फ़ैन क्या करेगा, सारी आपके पूरे चैम्बर में प्रॉपर हीट मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो देखो ड्राई हीट इंस्टॉलेशन क्या होती है, ड्राई हीट इंस्टॉलेशन इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। आप क्या करते हैं, आपका एक चैम्बर होता है, ठीक है, चैम्बर में एक गेट होता है, ठीक है। गेट आप खोलते हैं तो दो तीन आपकी रैक रखी होती हैं सामान रखने के लिए, ठीक है। आप उस रैक पे अपना सामान रखते हो, ठीक है। एक इसमें टेम्परेचर लगा रहता है, एक टेम्परेचर लगा रहता है इसी बॉक्स में, ठीक है, जिसमें आप टेम्परेचर देखते रहते हो कितना टेम्परेचर हो चुका है, ठीक है। इसकी जो वर्किंग होती है, ये वर्क करता है 160 डिग्री टेम्परेचर पे 2 घंटे के लिए, ठीक है। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट जो इसका मेन वर्किंग होती है, जो इसका रिजल्ट आता है, वो होता है आप अगर इसको 160 डिग्री चलाएंगे 2 घंटे के लिए, तो आपका स्टरलाइजेशन सब प्रॉपर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। जिन भी सामान का आपको स्टरलाइजेशन करना है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कब, जब आप इसको 160 डिग्री चलाएंगे 2 घंटे के लिए, ठीक है। वैसे आप इसको 100, 60, 70 कितना भी चला सकते हैं अपने अनुसार, उतना फिर आपका टाइम बढ़ जाएगा और, ठीक है। एक इसमें मैंने बताया थर्मामीटर लगा होता है, जिससे आप टेम्परेचर अपना देखते रहते हैं, जब 160 डिग्री पे आया आपने वहीं पे छोड़ दिया इसको, ठीक है, 2 घंटे के लिए, ठीक है। एक इसमें वेंट होती है, वेंट 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 का क्या मतलब होता है, जैसे आपके कुकर में सीटी आती है कभी कभार, जब प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आप सीटी ऊपर उठा देते हैं अपनी, ठीक है। तो इसी तरह इसमें एक वेंट होती है, अगर कुछ भी टेम्परेचर में दिक्कत आती है तो आप वो वेंट खोल देते हो तो सारा टेम्परेचर बाहर आ जाता है, ताकि हमारा जो अंदर सामान है वो बचा रहे, ठीक है। फिर हम इसमें स्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, अब देखो आपके दो चीज़ होते हैं, एक तो आपके सर्जिकल चीज़ होती है यानी ड्रेसिंग वगैरह, ठीक है, एक आपके इक्विपमेंट होते हैं, एक आपकी सर्जिकल चीज़ होती है, एक आपके इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट, ठीक है। सर्जिकल में क्या आ गया, आपके ग्लव्स, रुई, पट्टी वगैरह। तो अब आप खुद सोचो, अगर आप इन चीज़ को हीट पर रखोगे,
ठीक है, आप रुई को कभी हीट पे रख के देखना क्या होगा, क्या होगा बेटा अगर आप रुई को हीट पे रखोगे। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप जल जाओगे रुई को हीट पे तो जल रखोगे ऐसा जाएगा। एकदम जल जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है वो जल जाएगी। तो जो आपका हॉट एयर ओवन होता है उसमें आप अपनी सर्जिकल चीज नहीं कर सकते स्टरलाइज, ठीक है, आप हॉट एयर ओवन में सर्जिकल चीज स्टराइक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हीट कैचअप कर लेती है एकदम। तो आप इसमें अपने इंस्ट्रूमेंट या अपने इक्विपमेंट स्टराइज करते हो, जैसे आपका कैंची है, जैसे आपके ठीक है पेस्टल मोर्टार होता है आपका, ठीक है, और भी जो आपके हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो हम इसमें स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। या फिर आपके जो गिलास से कंटेनर आते हैं, जैसे आपका बीकर हो गया, आपकी मीजरिंग रोड, आपका सिलेंडर, ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसमें अपने स्टरलाइज करते हो। अब कुछ ये कहेंगे कि सर जैसे आपका हमारा जो आप हमारा मीजरिंग सिलेंडर होता है, जो हमारे बीकर होते हैं, कि सर ये भी हमारे कंच के बने होते हैं और हीट में आते हैं सर कंच भी टूट जाता है, होता है ना, आप कंच के ऊपर कुछ भी गर्म चीज़ रख दो एकदम टूट जाता है कंच, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक हमारी फॉइल आती है, एल्यूमिनियम फॉइल आती है, या एक पेपर आता है गैजेट पेपर, ठीक है, उस पेपर में हम इसको रैप करके ग्लास को अपने रख देते हैं, अगर हमें ग्लास की कोई भी चीज़ इसमें स्टरलाइजेशन करनी है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, किसका, हॉट एयर ओवन का, ठीक है। अब लिखो, लिखते लिखते फिर समझेंगे दोबारे। क्या आपने हेडिंग डाली होगी ड्राई हीट इंस्टॉलेशन, है ना, यस सर। लिखो इसमें। लिखो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म MICRO OrgAnism, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो एक बार मैं यहीं कहीं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका हॉट एयर ओवन इस तरह होता है, ये इसका दरवाज़ा है, ये हमने ऐसे खोलेंगे, ठीक है, ये देखो 1 2 3, ये आपकी सामान रखने के लिए इसमें रैक रखी हुई है, रैक, ठीक है, जहाँ पे आप अपना सामान रखोगे। देखो ये होती है वेंट, जो मैंने बताया था, आप इसको ऐसे खोल लोगे अगर कुछ भी दिक्कत आती है अंदर टेम्परेचर में। देखो ये पीछे फ़ैन लगा हुआ है, ये देखो ये पीछे आपका फैन लगा हुआ है इसमें, ये ठीक है, यही आपका क्या करता है, पूरी इसमें पूरी अंदर पूरे इसके अंदर आपका क्या करता है, हीट को सर्कुलेट रखता है। ये देखो रेगुलेटर होता है इसमें, इसकी सहायता से आप अपना टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसकी सहायता से आप अपना टेम्परेचर घटा देते हो, ठीक है, ये काम होता है हमारा हॉट एयर ओवन का। अब लिखो, अब अच्छे समझ में आएगा, और भी लिखो, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिस्ट्रॉय, CAN कैन बी डिस्ट्रॉय, DESTROY डिस्ट्रॉय बाय हीट, डिस्ट्रॉय बाय हीट, HEAT हीट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, STERILISATION, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ WITH, विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर ओवन, बड़ा बड़ा लिखना कैपिटल में, हॉट HOT हॉट एयर AIR एयर ओवन OVEN हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन अंडरलाइन कर देना। देखो मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही हॉट एयर ओवन आया तो आप ये कुछ कुछ तो क्या सोचते हैं कि क्या लिखना है मुझे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि मुझे क्या लिखना है, कुछ के माइंड में ये आएगा कि हॉट एयर ओवन था क्या, अच्छा उनके माइंड में ऐसा आएगा एक दरवाज़ा था इस तरह के, मतलब वो चीज़ हमारी ओवन थी। जिनके माइंड में ये चीज़ आ रही है दूसरे वाली, कि जिनके माइंड में डायग्राम आ गया वो ऑटोमेटिक खुद लिख देंगे,
ठीक है। इसलिए क्या होता है कि क्लास में बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, बट कुछ के नंबर अच्छे आते हैं, कुछ के थोड़े कम आते हैं। तो जिनके अच्छे आते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट से करते हैं काम, ठीक है। अब जैसे हॉट एयर ओवन, तो आपके माइंड में एकदम ध्यान आ जाना चाहिए, क्या ओवन का डायग्राम, उसका चित्र ध्यान में जाना चाहिए कि उसमें एक दरवाज़ा है, उसमें दो तीन ऐसे रैक लगी हुई हैं, एक उसमें टेम्परेचर है, एक उसमें